और जिसने रूस की राजधानी मॉस्को में खलबली मचा दी। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने ये ड्रोन मॉस्को में मौजूद आम लोगों को निशाना बनाने के लिए भेजे थे। उन्होंने राजधानी मॉस्को की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसमें कई ड्रोन उसने हवा में ही तबाह कर दिए। साथ ही रूस ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन ने आतंकी हमला कर उसके लोगों को जान से मारने की कोशिश की और जेलेंस्की ने आतंकी हमले के जरिए रूस को दहलाने की प्लानिंग की, जिसके लिए यूक्रेन ने कई ड्रोन एक साथ रूस के एयर स्पेस में पहुंचे, जिससे मॉस्को में जोरदार धमाके हुए। Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आरोप लगाया कि ऐसा करके यूक्रेन को दी जंग की आग को और भड़काना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि जेलेंस्की ने मॉस्को पर हमला सिर्फ और सिर्फ रूस को उकसाने के इरादे से किया। और सिर्फ पुतिन की नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने तो इस हमले को सीधे सीधे नरसंहार तक बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के कहने पर रूस में आतंक फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है। मॉस्को में हुआ ड्रोन हमला उनकी उसी प्लानिंग का हिस्सा था, जिसे उन्होंने पश्चिमी देशों की सलाह पर अंजाम दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की शांति समझौते की आड़ में पूरे रूस को जलाने की तैयारी में है, जिसमें उनकी मदद परते के पीछे से पश्चिमी देश भी कर रहे हैं। Простой, поскольку Запад настаивает, что нет другой основы для урегулирования украинской ситуации, кроме как... रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मॉस्को में हुए ड्रोन हमले को लेकर जेलेंस्की पर निशाना साधा था। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि इसके पीछे पश्चिमी देशों की रूस में आतंकी हमले कराने की बड़ी प्लानिंग है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने मॉस्को में हुए ड्रोन हमले की निंदा करते हुए ये दावा कर दिया है कि अमेरिका किसी भी तरह के आतंकवादी हमलों का समर्थन नहीं करता। और इसके लिए बाकायदा अमेरिकी सरकार की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका रूस की राजधानी मॉस्को में हुए हमलों का समर्थन नहीं करता। हालांकि इस हमले का यूक्रेन से संबंध था या नहीं, इस पर अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक बयान के मुताबिक अमेरिकी सरकार मॉस्को में हुए हमले पर पैनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने भी यह दावा किया कि वो यूक्रेन को लगातार मदद देना जारी रखेंगे। हालांकि उसने ये साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए हमले का समर्थन नहीं करता। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया है। देश भर में 25 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आपको बताएं, बिहार, कर्नाटक और केरल में इस वक्त छापेमारी हो रही है। अलग अलग ठिकानों के ऊपर जो पीएफआई है वहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। फुलवारी शरीफ में केस दर्ज है और देश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी, वो कौन कौन से प्रदेश है, राज्य, जगह जहाँ अभी छापेमारी चल रही है? देखिए, केरल, कर्नाटक और बिहार में यह छापेमारी चल रही है। 25 जगहों पर यह छापेमारी है। पीएफआई के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनके यहाँ यह कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर 2022 में फुलवारी शरीफ का जो मामला था, जहां पर फुलवारी शरीफ इलाके में बिहार के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, पीएफआई से जुड़े हुए थे, देश विरोधी साजिश उन्होंने रची थी, उस सिलसिले में आज की यह छापेमारी है। और पूरा देश व्यापी नेटवर्क इनका फैला हुआ था और आज की कार्रवाई ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ है, जो लोग चोरी छुपे पीएफआई के सदस्यों की मदद करते थे। इस छापेमारी के बाद ये उम्मीद की जा रही कि एनआईए के पास बहुत अहम सबूत इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ हाथ लगेंगे जी। और फिर उसके बाद ये जो पूरा नेक्सस है पीएफआई का, उसे खत्म करने में और ज्यादा मदद मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया अमित। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्रालय पर जमकर बरसे। कुछ रोज पहले ही प्रिगोजिन ने बखमूत में मारे गए अपने लड़ाकों का ठीकरा रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर फोड़ा था और उन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया था कि सर्गेई शोइगु के इशारे पर ही बखमूत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई नहीं की गई थी, इसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे गए थे। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मॉस्को पर हुए सबसे बड़े ड्रोन अटैक के बाद एक बार फिर येवगेनी प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्रालय पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मॉस्को पर हमले को रोकने के लिए रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनकी नाकामियों की वजह से लगातार यूक्रेन की सेना मॉस्को पर हमले कर रही है।